हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख्य रूपी द्वार के जीव रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। सूर्यवीर तो युद्ध में सूर्यवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो अकेला है, लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी के सिख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में खूब पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार सब पापों की जड़ होता है। समय बड़ा बलवान होता है। वो समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे एक बार जब महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब हुआ, तो वह भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। जब तक व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति में कोई भेद नहीं रहता। दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। लक्ष्य निश्चित हो, पाव गतिशील हो, तो मंजिल कभी दूर नहीं होता। धर्म का काम किसी का मत बदलना नहीं, बल्कि मन बदलना है। धार्मिक वृत्ति बनाए रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, और धार्मिक वृत्ति को खोने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जगाया तो उसी को जा सकता है जो सो रहा हो, किंतु जो जागते हुए भी जानबूझकर सोने का बहाना कर रहा है, उसे जगाने से क्या लाभ है।